वेलकम बैक बच्चों। बच्चों आज हम अपना बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के रिस्पेक्ट में थर्ड सेमेस्टर एंड केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में फोर्थ सेमेस्टर का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ और उसके बाद फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं उसको कवर करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या हम इसी को बोल सकते हैं वाई फर्स्ट लॉ इज नॉट एनफ या वाज नॉट एनफ, कि हमारे पास कुछ कमियां थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसकी वजह से हमें सेकेंड लॉ या थर्ड लॉ की इंपॉर्टेंस या उसकी जरूरत हुई। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या लिमिटेशंस थी, सबसे पहले हम देखते हैं ये फर्स्ट लॉ बताता क्या है। फर्स्ट लॉ डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओनली, या हम इसकी डेफिनेशन बोलते थे, हम बोलते थे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर, कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म एनर्जी को क्या कर सकते हैं कन्वर्ट। देखो तो ये इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डील्स विद लॉ ऑफ, बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, हीट ट्रांसफर, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वो हॉट से कोल्ड भी जा सकती है या वो कोल्ड से हॉट की तरफ भी जा सकती है, दोनों चीजें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ बोलते हैं कि दोनों हो सकती हैं। लेकिन हम रियलिटी की बात करें, जो हम ऑब्जर्व करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, ये ही ट्रू होता है लेकिन ये ट्रू नहीं होता। तो इसका आंसर हमें मिला सेकेंड लॉ से, क्योंकि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो ट्रू है, दोनों चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक जो बुक है वो फॉल हो सकती है ऑन टेबल, अगर हम फॉल करवाएं खाई हम बोल सकते हैं कि अगर वो हाइट पे थी उसको एक टेबल पे फॉल कराए, तो बुक को हम फॉल भी करवा सकते हैं किसके ऊपर, टेबल पे। तो जब वो टेबल पे फॉल होगी तो अगर वो हाइट पे होगी तो पहले उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी जब वो फॉल होने लगेगी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और जब वो उसके साथ स्ट्राइक करेगी उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी वो कुछ साउंड में और कुछ हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अब ऐसा होने से हमारे पास जो हीट में होगा उसकी वजह से मेरा जो टेम्परेचर होगा उस टेबल के सर्फेस का और बुक का थोड़ा सा राइज हो जाएगा। तो एनर्जी देखो कन्वर्ट होगी, पहले पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में हुई, काइनेटिक किस में हो गई हमारी उसमें थर्मल में या हीट के अंदर प्लस साउंड के अंदर। लेकिन ये तो बिल्कुल हीट तो देखो कन्वर्ट हुई है लेकिन लॉस नहीं हमारे पास, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। लेकिन अगर मैं पहले से ही अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अगर हम टेबल को थोड़ा सा प्रीवार्म कर दे और ऐसे ही हम बुक को प्रीवार्म कर दे और एक दूसरे के ऊपर रख दे, तो उसके अकॉर्डिंग वो वापस जो बुक है वो, अगर वो बुक पहले टेबल पे थी, बुक ऑन टेबल टेबल, तो वो फ्लाई बैक भी कर सकती है। देखो बच्चे बुक फॉल हो सकती थी टेबल पे और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अगर हम प्री वार्म कर दें, प्री वार्म्ड, उनको पहले ही कुछ हीट दे दे तो वो वापस से फ्लाई बैक। लेकिन तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग दोनों चीजें ट्रू थी, हो सकती हैं दोनों में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें भी तो पहले ये वाली काइनेटिक में होगी वो फिर पोटेंशियल में हो जाएगी, लेकिन हमारी रियलिटी के अंदर ये ट्रू है लेकिन ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। तो इसको आंसर करने के लिए ऐसे और बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन थे जिसको ये आंसर नहीं कर पाए, तभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका आंसर दिया हमें सेकेंड लॉ। तो अब हमें जो लिमिटेशंस के अंदर हमारे पास ये बता रहा था कि ये केवल डील करता था कन्वेंशन, तो अब क्या कि क्या क्या लिमिटेशंस थे इसकी, तो इसकी जो फर्स्ट लिमिटेशंस है वो थे फर्स्ट लॉ इट कैन नॉट टेल अबाउट स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ एनी प्रोसेस और रिएक्शन बोल सकते हैं। देखो क्या बोला, स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी का मतलब कि whether द प्रोसेस
विल टेक प्लेस और नॉट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस. ये मीनिंग है बच्चे इसका. हमने बोला है कि ये नहीं बताता, फर्स्ट लॉ नहीं बताता कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी. किसी अगर हम कोई कंडीशन कर दे तो नहीं बता सकता कि वो होगी या नहीं होगी. फर्स्ट ये था, जैसे ये थे हमारे पास कंडीशंस थी, हम ये सारी कंडीशन सेम कर दे तो ये नहीं बता सकता कि वो होल्ड से ट्रांसफर हो जाएगी या नहीं. कि ऐसा हमें पता है कि ये फिजिबल हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, ऑलवेज हीट होल्ड से कोल्ड ही ट्रांसफर होता. तो ये बताता नहीं है कि वो स्पॉन्टेनियस है. अब ये इसलिए हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को समझना पड़ेगा स्पॉन्टेनिटी के लिए. और ये फिजिबिलिटी का मतलब हो कि वो फिजिबल होगी या नहीं होगी किसी गिवन कंडीशंस पे, ये नहीं बताता. सेकेंड, फर्स्ट ला हमें नहीं बताता, इट कान टेल अबाउट, इट कैन नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एनी प्रोसेस. इट कैन नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एनी प्रोसेस या डायरेक्शन इन विच रिएक्शन विल गो. कि ये हमें कोई डायरेक्शन नहीं बताता कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में. इट गुड डायरेक्शंस के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, बस ये होगी या नहीं होगी उसका भी नहीं बता सकता था. लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स है ना. देखो हॉट से कोल्ड की तरफ ही जा सकता लेकिन कोल्ड से हॉट नहीं, तो ये डायरेक्शन हो गया. अगर इसको मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन इसको तो क्या बोल दूंगा, बैकवर्ड डायरेक्शन. तो ये डायरेक्शन के बारे में भी नहीं पता चलता कि कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जा सकती है. ये इसकी सेकेंड लिमिटेशन थी. थर्ड लिमिटेशन इसकी हमारे पास जो मेन थी, ये नहीं बता सकता अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो किस एक्सटेंट तक होगी. वो 10% कंप्लीट होगी, 20% या कंप्लीट उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा. तो ये क्या है, इट कांट टेल अबाउट, इट कांट टेल अबाउट द एक्सटेंट टू विच ए रिएक्शन या टू विच ए प्रोसेस कैन प्रोसीड. कि किस एक्सटेंट तक कोई प्रोसेस या रिएक्शन होगी उसके बारे में भी ये नहीं बता सकता था कि वो 10% 90% या 100% होगा. तो अगर हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, देखो तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं कि जिनके बारे में ये नहीं बता सकता था तो क्या थे. देखो हमें पता है व्हाई डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस, व्हाई डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस व्हेन अलाउड, When allowed. देखो अगर मेरे पास मान लिया कि इस टाइप से एक बड़ा सा ये कंटेनर है, इसमें मैंने एक पार्टीशन लगा रखा है बच्चे, यहां पर केवल यहां पर एक गैस है. अगर यहां पे मैं इसके ऊपर एक होल कर दूं, अलाउ कर दूं बाद में, तो यहां से गैस क्या हो जाएगी, यहां पर एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देगा कि गैस दोनों तरफ आ गई हमारे पास, यानी कि हमारे गैस का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया. तो ये क्या हो रहा है कि वाइड डिफ्यूजन ऑफ गैस टेक प्लेस व्हेन अलाउड. अगर नॉर्मल रूम के अंदर क्लोज में गैस थी, हमने रूम को ओपन कर दिया तो गैस क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी. तो ये डिफ्यूजन क्यों होता है जब हम उसको अलाउ करें, तो डिफ्यूजन तो हो. तो अब इसका आंसर फर्स्ट ला नहीं दे सकता था. तो ये फर्स्ट व्हाई डिफ्यूजन ऑफ गैस टेक प्लेस व्हेन अलाउड, तो डिफ्यूजन ऑफ गैस हो गया. सेकेंड ऐसे ही अगर करते हैं, व्हाई मिक्सिंग ऑफ गैस टेक प्लेस, व्हाई मिक्सिंग ऑफ गैस टेक प्लेस जब हम अलाउ करेंगे. तो देखो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंस भी हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग ये कंप्रेस भी हो सकता है. तो क्या फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता था कि ये ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि जो एक्सपेंशन जो डिफ्यूजन हो गया वो वापस सारी की सारी गैस एक ही साइड आ जाए, जैसे पहले वाले कंडीशन में कि वो डिफ्यूजन हो गया तो वापस उसका कंप्रेशन हो जाए वो एक ही एरिया में आ जाए. लेकिन वैसा हमें दिखाई नॉर्मली दिखाई नहीं देता है. तो ऐसे क्या है, व्हाई मिक्सिंग ऑफ गैस टेक प्लेस. सेकेंड ये मिक्सिंग के बारे में भी नहीं बता सकता था कि क्या कि मिक्सिंग क्यों होती है. मान लिया कि यहां पर हमारे पास सेम था, ये ए गैस मैंने यहां पे डाली है, इसका पार्टीशन था पहले हमने इसको बंद किया हुआ था, यहां पर बी गैस थी. लेकिन जैसे हम स्टॉपर को अलाउ कर देंगे ओपन कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ ए यहां पर आएगी कुछ बी आ जाएगी, ओपन करने के बाद यहां पर कुछ ए आ जाएगा या बी आ, यानी कि यहां पर हमारे पास क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ गैस. ये नहीं बता सकता था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, ऐसा भी पॉसिबल था कि यहां से जब पहले मिक्सिंग थी गैस की जब इसको ओपन किया तो वापस से स्टेट में आ जाए. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी. लेकिन नॉर्मलिटी रियलिटी के अंदर हमारे पास
ये वापस इस तरीके से नहीं जा सकता, ये बैक नहीं जा सकता। तो ये इसकी क्या थी, सेकंड लिमिटेशन। ऐसे अगर हम थर्ड लिमिटेशन की बात करें, वाई द मोलिक्यूल्स ऑफ गैस इन वन हाफ ऑफ एनी कंटेनर कांट मूव टू अनदर हाफ व्हेन अलाउड। देखो जी, ये भी सेम ऐसा है, इसका क्या मीनिंग हो गया कि यहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो कि हमारे पास ये कंटेनर था, ये हमने पार्टीशन लगाया, इसको भी पहले हमने बंद किया हुआ है कि मेरे पास गैस यहां पर थी, केवल वन हाफ में थी। अगर हम इसको ओपन कर दें, ओपन करने के बाद सारी की सारी गैस हमारे पास अगर हम बोले कि यहां पर आ जाए और यहां पे कोई गैस बचे ही ना, तो अकॉर्डिंग टू फसला नहीं बता सकता था कि ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि फसला के अकॉर्डिंग सारी कंडीशन सेम है। फसला के अकॉर्डिंग ऐसा भी हो सकता था कि जब ओपन किया तो ये डिफ्यूज हो गई, यहां पर भी कुछ गैस हो गई और यहां पर भी कुछ गैस बच जाए। फसला के अकॉर्डिंग ऐसा भी हो सकता था कि सारी की सारी गैस दूसरे पार्टीशन में चली जाए, लेकिन रियलिटी में ऐसा हमें दिखाई नहीं देता, तो ऐसा क्यों नहीं होता ये फसला बता नहीं पाया था। फिर हमारे पास अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, इसके लिमिटेशन की बात करें, तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, जैसे वाई हीट ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। देखो जैसे इसने बोला कि जो हीट ट्रांसफर होगा वो हॉट से कोल्ड ही क्यों होता है, कोल्ड से हॉट क्यों नहीं होता। क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अगर हॉट से कोल्ड भी हीट जा सकती है और कोल्ड से हॉट भी हीट जा सकती है, लेकिन रियलिटी में हमारे पास कोल्ड से हॉट ट्रांसफर हीट कभी भी नहीं होती है, तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसलिए अगर हम इसको डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में देखें या फिजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में देखें, तो ये फिजिबल है, ये नहीं होगी। डायरेक्शन देखें तो ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें एक और, कि अगर एक हॉट कप ऑफ कॉफी हमारे पास, बच्चे मान लिया कि हमारे पास एक कप रखा था जिसके अंदर हमने कॉफी रखी है और ये हॉट है, तो थोड़ी टाइम के बाद आप देखोगे तो ये कैसे हो जाएगी, हॉट कॉफी क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी हमारे पास। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमने कोल्ड कॉफी रखी कप में, वो थोड़ी देर के बाद हीट हो जाए, तो नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ दोनों चीजें हो सकती है, कोल्ड कॉफी हॉट भी हो सकती है और हॉट कॉफी कोल्ड हो सकती है, लेकिन हमें पता है एक ही कंडीशन होती है, ऐसा क्यों होता है वो फर्स्ट लॉ हमें बता नहीं पाया था। तो ऐसे क्या है, वाई ए हॉट कॉफी बिकम्स कोल्ड, वाई हॉट कॉफी बिकम्स कोल्ड विद पैसेज ऑफ टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम। इसका आंसर भी हमारे पास फर्स्ट लॉ नहीं बता पाया था बच्चे। या फिर अगर हम इसकी बात करें एक और, देखो लास्ट इसका पॉइंट अगर हम लिखते हैं, तो यहां पे साइड में लिख देते हैं, जो फर्स्ट लॉ की हमारी एक लिमिटेशन है मेन, वाई बुक ओब्लिक बाल Can't fly back, cannot fly back in air. ये भी डिस्कस किया, तो ये नहीं बता सकती कि बुक ऊपर से नीचे गिर सकती है टेबल पे, ऐसी बोले हाइट से नीचे आ सकती, कि वो नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा सकती। इसका आंसर भी फर्स्ट लॉ हमें नहीं बता पाया था, इसका आंसर भी हमें किसने दिया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस we need second law of thermodynamics। इन सभी का आंसर देने के लिए हमें second law of thermodynamics की जरूरत पड़ी। अब इसमें क्या हुआ, इन second law of thermodynamics ए एंट्रोपी वर्ड में लिख सकता हूं, इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ए एंट्रोपी वर्ड इज यूज्ड, एंट्रोपी वर्ड इज यूज्ड टू गिव ऑल द आंसर्स।
जो फर्स्ट लॉ की जितनी भी हमारे पास लिमिटेशंस थी, जो डायरेक्शन या स्पॉन्टेनिटी को नहीं बता पा रहे थे एक्सटेंट तक, उसका आंसर देने के लिए हमें सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी। और सेकेंड लॉ का आंसर जो हमने इसमें आंसर मिला सेकेंड लॉ से, उसको हमने आंसर दिया फर्स्ट लॉ के सभी क्वेश्चंस का एक वर्ड के रिस्पेक्ट में, एंट्रोपी वर्ड के रिस्पेक्ट में। अब हम देखेंगे अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर के एक्चुअली एंट्रोपी होती क्या, क्योंकि इस एंट्रोपी वर्ड की हेल्प से ही हमने सभी आंसर्स प्रोवाइड की। अब इस एंट्रोपी वर्ड को समझने से पहले बच्चे आपको एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा, व्हाट आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, व्हाट आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद फिर एंट्रोपी वर्ड को समझेंगे इसका क्या मीनिंग होता है। अगर थर्मोडायनेमिक्स में कुछ चीज समझने की है जो थर्मोडायनेमिक्स को डिफिकल्ट बना देती है, एक्चुअली दो चीजें, एक तो ये एंट्रोपी है और सेकेंड होती है गिब्स फ्री एनर्जी, जिसकी सब मैक्सिमम एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। उसकी एप्लीकेशंस हमारे पास लाइक अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम में है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर है, फिर फेज इक्विलिब्रियम के अंदर है, केमिकल के अंदर था, सॉल्यूशन के अंदर है, यानी कि उसकी हमारी वाइड एप्लीकेशंस है। अगर हमें एंट्रोपी या ये गिब्स फ्री एनर्जी समझ में नहीं आया तो बाकी चीज़ हमें रटनी पड़ती है, हमें ईजिली समझ में नहीं आती। तो अच्छा, ये दो चीज़ जरूर समझनी है कि एंट्रोपी एक्चुअली होती क्या है और ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। तो इनसे पहले हम देख लेते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम बोलते हैं इट इज़ ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस विच टेक प्लेस ऑफ इट्स ओन विद और विदाउट इनिशिएशन, विद और विदाउट एनी इनिशिएशन। कह रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होंगे कि जो अपने आप स्टार्ट हो जाए, टेक प्लेस ऑफ इट्स ओन हो सकते हैं। अगर उनको स्टार्ट होने के लिए क्या तो किसी इनिशिएशन की जरूरत होगी या नहीं होगी। जैसे क्या हुआ बच्चे, अगर हम बात करते हैं कि जो हॉट कॉफी थी, हॉट कॉफी या ही हॉट कॉफी, वो क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, कोल्ड। तो इसको आपने कुछ हेल्प नहीं की, कोई इनिशिएशन नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हो गई, तो ये अपने आप ही हो गई, इट्स टेक प्लेस ऑफ इट ओन विदाउट एनी हेल्प इनिशिएशन, या हम बोल सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, विद और विदाउट एनी हेल्प, तो इसको किसी हेल्प की जरूरत नहीं हुई, तो ये विदाउट एनी, विदाउट इनिशिएशन था, विदाउट इनिशिएशन या विदाउट एनी हेल्प था। या ऐसे ही अगर मैंने बोला, अगर हीट ट्रांसफर होगी तो हीट ट्रांसफर कहां से कहां तक, होल्ड से कोल्ड जाती है ऑलवेज, और इसको भी किसी इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे फॉलिंग बुक, या मैं रोलिंग ऑफ स्टोन बोलता हूं, रोलिंग ऑफ स्टोन, रोलिंग ऑफ स्टोन का मतलब क्या है कि पहले किसी हाइट पे एक स्टोन रखा था, तो ऐसा नहीं कि अपने आप गिर जाएगा, आपको एक बार इसको गिराना पड़ेगा। जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा पुश किया, पुश करने से क्या हो गया बच्चे कि ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा और ये रोल करता हुआ नीचे जाता रहेगा जब तक ये नीचे जाके स्टॉप ना हो जाए। तो एक बार आपको तो आपने थ्रू आउट इसको पुश नहीं किया, आपने एक ही बार यानी कि एक बार आपने इनिशिएशन दिया था, तो इसको किसकी जरूरत थी, इसको थी इनिशिएशन की जरूरत, यानी कि एक टाइम, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ ये चलता ही रहा, जब तक ये स्टॉप नहीं हुआ इसको बीच में किसी हेल्प की जरूरत नहीं थी। तो ये स्पॉन्टेनियस, एक बार स्टार्ट होगा तो रस्ते में नहीं रुकेगा, कंप्लीशन पे जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल या मैच स्टिक हमने बोला बच्चे, तो क्या हुआ, अपने आप तो नहीं जलती, लेकिन जब आपने एक बार कैंडल को, इस कैंडल को एक बार बर्न कर दिया लाइटर से, तो जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगी, फिनिश नहीं हो जाएगी, जलती रहेगी। इसका मतलब इसमें भी आपने एक बार तो क्या किया, इनिशिएशन दिया था, या मैच स्टिक थी हमारे पास, तो एक बार तो आपको उसको थोड़ी सी हेल्प या इनिशिएशन देने की जरूरत है, उसके बाद वो अपने आप ही प्रोसेस होता रहेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो अपने आप एक बार स्टार्ट होने के बाद अपने आप होते चले जाते हैं। तो अगर उसके लिए दो कंडीशन हो, क्या तो अपने आप ही हो जाएगा, या हमें स्टार्टिंग में कुछ उसको इनिशिएशन या हेल्प देनी पड़ेगी। या इसी को मैं दूसरी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहां पर ऑल चेंजेस टेकिंग प्लेस, ऑल चेंजेस टेकिंग प्लेस, टेकिंग प्लेस इन वर्ल्ड और यूनिवर्स, और यूनिवर्स, All changes taking place in world or universe will go in a particular direction. और हमें बोल सकता हूं इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन,
देखो चेक क्या मीनिंग था इस चीज से, हम दूसरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, करें कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे पास या विल गो इन, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे पास वर्ल्ड में, उनके पास क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएंगे या उनके पास क्या एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, या हम बोल सकते हैं विल पोजेस, दे विल पोजेस ए नेचुरल डायरेक्शन। यहां से इस विल के बाद हम ऐसा लगा सकते हैं बच्चे दोनों को, क्यों? देखो क्या हुआ कि जितने भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, फोटोसिंथेसिस देखा, फ्लोइंग ऑफ, अगर हीट को देखा तो हीट फ्लो करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रही है, रोलिंग ऑफ स्टोन हाइट से नीचे आ रहा है, वाटर भी फ्लो करता है हाइट से लो करता है, अब एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसी सोलवेंट मोलिक्यूल या सोल्यूट मोलिक्यूल की सॉरी अगर मैं बात करता तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूव करता है। तो क्या हुआ कि जितने भी रिएक्शन हो रही हैं, प्रोसेस हो रहे हैं, उन सभी का एक नेचुरल डायरेक्शन, उस नेचुरल डायरेक्शन मतलब उनकी एक फिक्स डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से। अब एक फिक्स ही डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि वो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। हमारे पास फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फूड बनेगा, लेकिन उस फूड से वापस ही हमारे पास लाइट एनर्जी और जो केमिकल हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता, वापस रिएक्शन में नहीं जा सकती। तो कह रहे कि जितने भी प्रोसेस होते हैं हमारे वर्ल्ड में उनके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, या मैं इससे बोल सकता हूं कि ऑल देयरफॉर ऑल नेचुरल प्रोसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो गया? देखो स्पॉन्टेनियस ऐसे प्रोसेस हो गए जिसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है। देखो स्पॉन्टेनियस की क्या अलग अलग बात नहीं करें, देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की क्या होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होंगे जिसकी एक फिक्स डायरेक्शन होगी, एक डायरेक्शन होगी होगी। और हमारी वर्ल्ड के अंदर जो हमारे यूनिवर्स है उनके अंदर जितने भी प्रोसेस, जितने भी हम देखते हैं, सभी के सभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस होती हैं। और देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की क्या होगी, फिक्स डायरेक्शंस। अब ये अपने आप भी स्टार्ट हो सकते हैं ओन भी या विद भी, ये ओन भी स्टार्ट हो सकते हैं या विद इनिशिएशन, ये तो कोई मैटर ही नहीं करता बच्चे, ये दो कंडीशन है। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस की एक फिक्स डायरेक्शन होगी। अब जिसके भी फिक्स डायरेक्शन हो गई वो सारे के सारे कैसे हो गए हमारे पास, और ये फिक्स डायरेक्शन किसकी होती है, नेचुरल प्रोसेस की, नेचुरल प्रोसेस की सभी की क्या होती है, एक फिक्स डायरेक्शन होती है। अगर जब एक फिक्स डायरेक्शन हो जाती है तो उस फिक्स डायरेक्शन वाले को मैं बोल सकता हूं इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जिसकी फिक्स डायरेक्शन होती है। नेचुरल की देखो फिक्स डायरेक्शन हो गई, एक ही डायरेक्शन होती है, नेचर में आप कोई भी चीज देखो एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, ऐसे ही हमारे पास हम बोलते हैं इनको इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस विच विल गो इन ओनली वन डायरेक्शन। रिवर्सिबल में वो आगे भी जा सकता है, बैक भी आ सकता है, लेकिन इरिवर्सिबल में वो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये तो रिवर्सिबल था, रिवर्सिबल, और ये कैसा है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल देखो चाहिए तो हम यहां पे फाइनली यहां पे ऐसा बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी ये हमारे पास इसको ओवरऑल कंक्लूजन बोल सकते हैं ऐसा, क्यों? क्योंकि जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस उसकी एक फिक्स डायरेक्शन होगी, और नेचुरल प्रोसेस के अंदर भी क्या होगी, एक फिक्स डायरेक्शन होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं या जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल है, या जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल, और ये सारे के सारे क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उनकी डायरेक्शंस या क्या होगी, एक नेचुरल डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन होती। अब तो जो प्रोसेस था हमने एक फिक्स डायरेक्शन की बात की, तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। देखो एक डायरेक्शन तो फिक्स हो गई, या मैं फॉरवर्ड की बात करता हूं या बैकवर्ड की, तो अब जो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है तो किस डायरेक्शन में होगी, जिसमें एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसमें कोई दूसरा फैक्टर है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि विच फैक्टर गवर्न द डायरेक्शंस ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये हमारे सिलेबस में इतना ही था बच्चे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, एक हम क्वेश्चन अराइज कर लेते जो भी हमने डिस्कस किया। तो हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट डिटरमाइन, व्हाट
डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखो ये एग्जाम में नहीं आने वाला, ये समझने के लिए ही था ही हमारे पास केवल। तो क्या है जनरली हम क्या सोचते हैं, देखो जितने भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर कोई एक रिएक्शन हो रही है ए और फिर हम बोलते हैं बी प्रोडक्ट की साइड गया, तो हम बोलते हैं कि जनरली कि जितनी लेस एनर्जी होती है, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, और जो ऑलवेज प्रोसेस होगा या जो हमारा प्रोडक्ट बनना है वो तभी बनता है जब वो ज्यादा स्टेबल होगा या उसकी एनर्जी कम। तो हम ऐसा सोचते हैं कि यहां पर इसकी मोर एनर्जी थी, मोर एनर्जी, तो हमारी रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना फेवर करेगी जहां पर क्या होगी लेस एनर्जी। क्या हुआ देखो, बुक थी यहां पर हाइट पे, फिर वो नीचे गिरी किसके ऊपर, टेबल पे, तो यहां पर उसकी क्या थी हाई पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर क्या थी लो पोटेंशियल एनर्जी। तो हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखें तो ये तो नीचे जाएगी तो क्या होगी डिक्रीज, तो हमने बोल दिया कि डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी इसलिए ऐसा हो गया, या पहले हॉट कॉफी थी या हीट ट्रांसफर की बात करें हॉट कॉफी थी वो क्या हो गई कोल्ड हो गई, कोल्ड होने के बाद इसका मतलब क्या हुआ उसने एनर्जी यहां पर क्या थी हाई एनर्जी, हाई थर्मल एनर्जी थी, यहां पे कैसी थी लेस, इसलिए कह रहा है कि यहां पर इस स्टेट के अंदर उसके पास एनर्जी कम है तो क्या हो गई फॉरवर्ड में चला गया, यानी कि होट से क्या हो गई कोल्ड। तो नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं कि सोचते हैं या ऐसा देखने को हमें मिलता है कि हमारी रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना फेवर करती जहां पर एनर्जी का डिक्रीज होता है, दिखाई दे रहा है नॉर्मल सा एनर्जी का डिक्रीज, यानी कि जब एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, हम ऐसा ही सोचते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यही देखते हैं। लेकिन बच्चे आप एक चीज ध्यान करो, अगर इवोपरेशन हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही है, कैसा प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप ही हो रहा है, अगर आपने वाटर रखा बाहर तो अपने आप इवोपरेट हो जाएगा आपके कपड़े सूख जाएंगे, तो ये भी कैसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ऑपरेशन। लेकिन पहले वो कैसा था लिक्विड, लिक्विड से वो क्या चला आ गया भाई वेपर में ही चला आ गया, तो लेकिन यहां पर तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो कम नहीं हुई, यहां पे एनर्जी कैसी होगी इंक्रीज, यहां पे एनर्जी ज्यादा हो गई, तो यहां पर तो एनर्जी कम हो रही थी लेकिन इस प्रोसेस में एनर्जी का क्या हो गया इंक्रीज हो गया, तो अब ये स्पॉन्टेनियस है ये भी स्पॉन्टेनियस था, तो भाई ओवरऑल यहां पे अगर मैं देखता तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, होल्ड ने क्या तो सराउंडिंग को दे दिया, ये जो एनर्जी थी ज्यादा वो किसने दे दी इसने सराउंडिंग को ट्रांसफर कर दी थी, कहां पे ट्रांसफर कर दी थी सराउंडिंग को उसने, इसलिए वो खुद कोल्ड हो गया था। तो यहां पर अगर हम दोनों केस देखें तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो कंजर्व ही रही है, एनर्जी कंजर्व रही है क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में देखें तो ये तो होगा लेकिन ये नहीं होगा, लेकिन ये भी होता और ये भी स्पॉन्टेनियस है और ये भी कैसा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो हम फाइनली यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज इज नॉट गवर्न बाय एनर्जी चेंज और इट इज नॉट द डिक्रीज इन एनर्जी, इट इज नॉट द डिक्रीज इन एनर्जी विच गवर्न द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नॉर्मली हम इसी को देखकर बोल देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, इसका ये दूसरा एग्जांपल हमें एक्सेप्शन टाइप दिखा, तो कह रहे कि एनर्जी गवर्न नहीं करती है उसमें एनर्जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपकी एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है फाइनली या वो एनर्जी क्या हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि बच्चे एनर्जी या इंक्रीज और डिक्रीज तो हमें पता है दो टाइप की रिएक्शन होती है हमारे पास, एक एक्सोथर्मिक की पहले रिएक्टेंट के प्रोसेस इनिशियल स्टेट में, अगर मैं बोलता हूं यहां पर इनिशियल स्टेट थी तो यहां पर एनर्जी इतनी थी, ये एनर्जी बोला मैंने, ये मैंने प्रोसेस किया उसका रिएक्शन रेट बोल दिया, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड हो रही है या प्रोसेस प्रोसीड हो रहा है यहां पे, तो यहां पर ऐसे जाएगा, अगर वो नीचे आ गया ये प्रोडक्ट बन गया या फाइनल स्टेट बोली फाइनल स्टेट या प्रोडक्ट, तो अगर उसकी रिएक्शन की पहले इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट की एनर्जी कम हो गई तो इसको मैं बोलता हूं एक टाइप से कौन सी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, तो एक्सो वाले में एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, एक्सो में क्या हो जाती है एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन एक दूसरी टाइप की रिएक्शन भी तो होती है जिसके अंदर एनर्जी क्या हो जाती है इंक्रीज, ये कौन सी रिएक्शन है एंडो, इसके हीट की जरूरत होती है, ये भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है, जैसे आपने कैंडल को बर्न किया था तो आपने एक बार हीट दी थी ना वहां पर,
तो जब आप कोई हीट सप्लाई करते हो उसको एंडोथर्मिक बोलते हो, जिसके अंदर से हीट निकलती है उसको क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, किसमें हो जाती है इंक्रीज, हमारे पास किसमें होगी, वो एंडो के अंदर होगी। तो आप हीट के बेस के ऊपर या सॉरी एनर्जी के बेस पे नहीं बोल सकते कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कि अगर एक डायरेक्शन में, अगर आपके एक डायरेक्शन था फॉरवर्ड डायरेक्शन बच्चे, तो अगर इसमें एनर्जी डिक्रीज हो गई, एनर्जी डिक्रीज, तो बैकवर्ड में एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एक ही प्रोसेस की एनर्जी इंक्रीज। तो आप नहीं बोल सकते थे कि ये स्पॉन्टेनियस की ये डायरेक्शन है या ये डायरेक्शन, कोई भी हो सकती है। इसको हम समझेंगे कि एक्चुअल में क्या गवर्न करेगा, वो हमें कंसेप्ट समझ में आएगा जब हम एंट्रोपी को कवर करेंगे। तो आज हमने सबसे पहले देखा कि लिमिटेशंस क्या होती है, फिर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। बच्चे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो अपने आप भी स्टार्ट हो सकती हैं या हेल्प से, लेकिन उन सभी के एक फिक्स या नेचुरल डायरेक्शन है। और जब भी किसी भी रिएक्शन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाती है उसको मैं बोल देता हूँ इरिवर्सिबल प्रोसेस। और हमें नेचर के अंदर एक ही डायरेक्शन दिखाई देती है सभी का, रिवर्सिबल कोई प्रोसेस है ही नहीं नेचर के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल है या सभी की एक ही डायरेक्शन है, और उस डायरेक्शन को ये एनर्जी फैक्टर गवर्न नहीं करता। क्योंकि आप बॉइलिंग किया आपने, तो बॉइलिंग करोगे तो फिर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, हमारे पास एवेपरेशन हो रहा है, तो एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज। तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले कवर करेंगे फिर एंट्रोपी क्या होती है, हम उसके अलग अलग टर्म्स में देखेंगे, अलग अलग उसकी डेफिनेशंस के रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जो हमें क्लियर